तो यार आईपीएल 2024 की तैयारी में सभी टीम्स पूरी तरीके से जुटी हुई हैं। सभी टीम अपने अपने ट्रायल्स कंडक्ट करवा रही हैं, रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बना रही हैं। और ईमानदारी से बताएं तो यार आईपीएल से पहले ये जो प्री आईपीएल सीजन होता है, खास करके मिनी ऑक्शन के आसपास का, वो मेरे लिए आईपीएल से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। बिकॉज रोज़ नई अपडेट्स आती हैं, रोज़ नए रूमर्स आते हैं, रोज़ एक्साइटमेंट धीरे धीरे बिल्डअप होती है, हम सब भी अपना दिमाग लगाया करते हैं। और इसी समय पर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स एक दूसरे से दूसरी टीम में जाने की खबरें भी सोशल मीडिया पर खास करके बहुत ज्यादा आती हैं। और ऐसे ही तीन रूमर्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूं आज, और उन पर थोड़ी सी गहन चर्चा करेंगे कि क्या इन रूमर्स में कोई सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो क्या रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज का यह मूव सही होगा। बहुत सारा मजा इस वीडियो में आने वाला है, लेकिन सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि यह कोई ऑफिशियल अपडेट्स या फिर कोई अपडेट नहीं है, यह सिर्फ रूमर्स हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जो लोग कमेंट बॉक्स में फेक न्यूज़ लिखते हैं, आराम से बैठो, सुबह का वक्त है, चाय कॉफी पियो, वीडियो को एंजॉय करो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या तुमने भी ऐसा कोई रूमर सुना है जो शायद मुझसे छूट गया हो। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, क्योंकि इस आईपीएल के सीजन में बहुत मजा आने वाला है और काफी सारी चीजें उलटती पुलटती अदलती बदलती आपको दिखाई देंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। नाउ फॉर द डिले, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो पहला रूमर जो कि इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और मुझे कई जगह से सुनने को मिला है, इज दैट मुंबई इंडियंस इज रियली सीरियस अबाउट अपग्रेडिंग देयर स्क्वाड स्पेशली फॉर द फ्यूचर, और वो कोशिश कर रहे हैं कार्तिक त्यागी को सनराइजर्स हैदराबाद और आर साई किशोर को गुजरात टाइटन से ट्रेड करने की। अब अगर कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद जब ये ट्रेड विंडो खुली थी, उस समय पर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि यार कार्तिक त्यागी का जो टैलेंट है वो सनराइजर्स हैदराबाद में 2 साल से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, एंड इन माय ओपिनियन उन्हें अब तक इंडिया खेलने के बहुत ज्यादा करीब होना चाहिए था। और इस वक्त सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो अभी खत्म हुई है, उसमें बहुत रफ्तार से कार्तिक त्यागी ने बॉलिंग की है, एक उभरता हुआ सितारा है, और ऐसे प्लेयर की मुंबई इंडियंस ही सबसे सटीक जगह है। वहीं आर साई किशोर का भी मैंने नाम लिया था कि यार वो बॉलर बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि टीम्स थोड़ा सा ऑलराउंडर्स की तरफ देखती है, खास करके जहां तक फिंगर स्पिनर्स की बात आती है, और ऐसे ऑलराउंडर्स हमारे देश में अब बहुत ज्यादा तादाद में भी हैं, तो इसलिए आर साई किशोर को पूरी तरीके से वहां गुजरात टाइटंस में खेलने का मौका नहीं मिलता है, और मुंबई इंडियंस उनके लिए बहुत सही फ्रेंचाइजी रहेगी। बिकॉज एमआई को एक अच्छे स्पिनर की जरूरत है, हालांकि वो रिस्ट स्पिनर जरूर चाह रहे होंगे, बट आर साई किशोर भी किसी से कम नहीं है, और फिर एमआई के पास अच्छे पेसर्स भी हैं, तो वो उनको थोड़ा सा फिट कर सकते हैं। और कार्तिक त्यागी मतलब आर्चर, बुमराह, मधवाल के साथ अगर एक युवा कार्तिक त्यागी आप उस सेटअप में डाल दोगे तो मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, और आईपीएल के फैंस को भी 2 नए सितारे देखने को मिलेंगे, ये पूरी तरीके से गारंटी हो जाएगा। अब इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, दैट आई कैन नॉट कंफर्म राइट नाउ, क्योंकि ट्रेड विंडो में इस तरीके की खबरें रोज आती हैं, लेकिन हाँ अगर ऐसा हो जाता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। वहीं दूसरा रूमर जो फ्लोट अराउंड कर रहा है उसको सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, एंड दैट इज दैट मेनी टीम्स वॉन्ट श्रेयस अय्यर इन देयर स्क्वाड इन दिस ट्रेड विंडो एंड दे वॉन्ट हिम टू मेक द कैप्टन ऑफ देयर टीम एज वेल, यानी कि श्रेयस अय्यर की डिमांड देखिए थोड़ी सी ज्यादा है, और इस समय जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं खास करके वर्ल्ड कप में, उससे वो डिमांड थोड़ी सी और ऊपर जाएगी। लेकिन ये रूमर जो है मुझे लगता है ये थोड़ा पुराना है, बिकॉज केकेआर से इस बात का तकरीबन कंफर्मेशन आ गया है दैट विदाउट एनी डाउट श्रेयस अय्यर विल रिटर्न टू केकेआर एज अ लीडर, और उसके बाद नीतीश राणा की भी थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई थी। हमारी पिछली वीडियो में कॉमेंट बॉक्स में भी किसी ने बताया था कि नीतीश राणा की डिमांड देखिए थोड़ी सी बढ़ी है, और एक बार जिसको कप्तानी का मजा आ जाता है वो उसको बार बार चखना चाहता है, तो बहुत सारी टीम्स इंडियन कैप्टन ढूंढ रही होंगी। जैसे देखिए शिखर धवन की एज हो रही है पंजाब किंग्स में, तो एक वो र्यूमर में बने हुए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का शुभमन गिल को लेकर के सबसे पहले र्यूमर आया था, फिर खबर आई कि उनको श्रेयस अय्यर भी चाहिए, फिर नीतीश राणा की भी खबर आई, लेकिन यहां पर मुझे नहीं लगता कि इस र्यूमर में कोई सच्चाई है। हाँ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टीम्स ने इंक्वायरी की हो कि भाई आपके सुना नीतीश राणा बहुत बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर हमको दे दो, या श्रेयस अय्यर को कराना चाहते हो तो नीतीश राणा हमको दे दो, हमारे पास काफी सारे प्लेयर हैं, खास करके पंजाब और हैदराबाद की जहां तक बात है। और जो राहुल त्रिपाठी वहां केकेआर की अकेडमी में देखे गए थे, केकेआर के कैंप में, उसको लेकर के भी ये अफवाह बहुत तेज गरम हुई थी, बट आई थिंक आई एम क्वाइट श्योर कि श्रेयस अय्यर ही कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करेंगे, और फिलहाल इस सीजन में वो केकेआर से अलग नहीं होने वाले हैं। वहीं
तीसरा रूमर है कि कोलकाता नाइट राइडर्स आर लुकिंग वेरी इंटरेस्टेड टू गेट वॉशिंगटन सुंदर इन देयर स्क्वाड, और वो भी राहुल त्रिपाठी के साथ केकेआर के कैंप में देखे गए थे इन मुंबई। वहां पर वेंकटेश अय्यर भी थे और दिनेश कार्तिक, एबी डिविलियर्स भी वहां पर पहुंचे हुए थे। और उसके बाद से काफी ज्यादा ये चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या राहुल त्रिपाठी वॉशिंगटन सुंदर आ रहे हैं केकेआर में, और क्या श्रेयस अय्यर को सच में दे दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को कोलकाता नाइट राइडर्स ने और उनके बदले में दो प्लेयर ले लिए हैं। इस बारे में देखिए कोई अपडेट तो नहीं आया है। श्रेयस अय्यर को लेकर के मैं थोड़ा श्योर भी हूं कि यार वो जाने वाले तो है नहीं, और वॉशिंगटन सुंदर अगर मान लो केकेआर में आते भी हैं हाइपोथेटिकली लेट्स से कि केकेआर उनको जो है शार्दुल ठाकुर से ट्रेड कर लेती है, बट वॉशिंगटन सुंदर का यार आप करोगे क्या? देखो वो ऑफ स्पिनर है, तो आपके पास सुनील नारायण भी हैं, आपके पास वरुण चक्रवर्ती भी हैं, अगर आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो आपके पास यार अनुकुल रॉय भी हैं, नीतीश राणा भी आपके पास हैं, वेंकटेश अय्यर चलो ठीक है स्पिनर नहीं है लेकिन वो भी एक लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर्स हैं, स्पिनर्स में आपके पास सुयश शर्मा का भी एक ऑप्शन है, तो वॉशिंगटन सुंदर को आप उनका करोगे क्या और उनको खिलाओगे कहां पर? देखो मेरा ऐसा मानना है कि वॉशिंगटन सुंदर पर अगर ठीक से इन्वेस्ट किया जाए तो उस बंदे के अंदर बैटिंग टैलेंट भी अच्छा खासा है, सिर्फ वो एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, ही इज अ प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंड मटेरियल, जैसे हम हार्दिक पांड्या को देखते हैं, जैसे हम बेन स्टोक्स को देखते हैं, और उनकी बल्लेबाजी काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। कुछ रचिन रविंद्र का जो अब मामला देख रहे हो, लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर आया था, बैटिंग धीरे धीरे अच्छी हुई, अब वो टॉप टीम में बैटिंग करते हैं, तो इस तरीके की चीज भी वॉशिंगटन सुंदर के साथ हो सकती थी, बट उनको एक तो इतना नीचे खिलाया जाता है, उनसे पावर हिटिंग का रोल एक्सपेक्ट किया जाता है जो वो है नहीं, अब वो थोड़ा उनकी टेक्निक भी थोड़ी सी बेहतर है, हमने टेस्ट मैचेस में उनको रन बनाते हुए देखा है, लेट मी रिमाइंड यू। तो वॉशिंगटन सुंदर का केकेआर करेगी क्या? लेफ्ट हैंडर उनके पास बहुत सारे हैं, अय्यर हैं, नीतीश हैं, रिंकू हैं, ऑफ स्पिनर्स भी उनके पास ढेर सारे हैं, तो टीम में जगह नहीं दिख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस र्यूमर में बहुत ज्यादा सच्चाई होगी। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स कई बार खास करके पिछले कुछ सालों में ऐसे डिसीजन ले चुकी है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये र्यूमर आगे जाकर के हकीकत बन जाए। तो IPL 2024 की इस जबरदस्त ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन के समय में इस तरीके के रूमर्स लगातार आएंगे और हम लगातार चाय कॉफी पर उसकी बात करने वाले हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो। और भी थोड़े से रूमर हैं, कोई पृथ्वी शॉ को लेकर के बात कर रहा है, कोई शार्दुल ठाकुर को लेकर के बात कर रहा है, बट उसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा नहीं है तो उसको हमने यहां पर थोड़ा इंक्लूड नहीं किया है, बट लेट मी अश्योर यू कि जैसे जैसे न्यूज आएगी, अपडेट्स आएंगे, रूमर आएंगे, ये जो मामला चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, इसका हम पूरा मजा उठाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।